सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की। एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक स्त्री थी जो हमेशा रोती रहती थी। इस औरत के बारे में खासियत यह है कि वो अपनी परिस्थिति के वजह से ही नहीं, लेकिन औरों के वजह से जो उसको हमेशा रुलाते रहते थे, हर चीज़ में उसकी गलतियाँ ढूंढ निकालते थे। वो रोती रहती थी, यहाँ तक कि वो अपना भोजन नहीं खा पाती थी, वो खाना छोड़ देती थी, उतना अधिक रोना। ये एक या दो दिन की बात नहीं है, हर रोज़, प्रतिदिन, हर हफ्ते, हर महीने, साल भर, हर साल, एवरी ईयर वो रोती रहती थी। ये जो व्यक्ति की कहानी है, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं बाइबल में, पहले सैमुएल की पुस्तक पहले अध्याय में। उसका नाम है हन्ना। उसके 7वें आयत में हम पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति उसको चिढ़ाती थी, जिसके वजह से हन्ना हमेशा रोती थी। कोई थी उसके घर में, उसके अपने घर में, अपने छत के नीचे, जो उसके फ्रेंड की तरह, एक सहेली की तरह, जिसको परमेश्वर ने रखा था, जो उसको मदद करने वाली, मददगार के रूप में परमेश्वर ने जिसको रखा था, वही व्यक्ति क्या करती है, इसको चिढ़ाती है, इसका मजाक उड़ाती है, हर चीज में इसको रुलाती है। लेकिन एक बार क्या होता है, उसके 9वें और 10वें आयत में बाइबल में हम पढ़ते हैं उसी अध्याय के, कि हन्ना सोचती है बस काफी हो चुका, अब मैं नहीं रोऊंगी, अब मैं इस तरह से रोते 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 अपना पूरा जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। हन्ना ने निर्णय लिया और वो खड़ी होती है वहां से। वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है और अपना सारा बोझ परमेश्वर के पास वो उंडेलती है, गिड़गिड़ा के रोती है परमेश्वर की उपस्थिति में। अब उसके दुख के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रोने के बाद वो अपना पूरा केस परमेश्वर के हाथ में ट्रांसफर कर देती है, उसके स्वर्गीय पिता के हाथ में। अब उसे भरोसा हो जाता है। उसके 18वीं आयत में ऐसे लिखा है, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। उसके बाद, किसके बाद? अपना केस ट्रांसफर करने के बाद उसका मुंह उदास क्यों नहीं हुआ? क्या उसके प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए? क्या लोग उसको परेशान करना बंद कर दिया? नहीं, वापस वो वही घर में जाती है जहां वही स्त्री है, वापस वही चीज, सब कुछ दोबारा होता है। वो जो पनीना नाम की स्त्री है, वो दोबारा इसको चिढ़ाती रहती है, इसको परेशान करती रहती है, इसको रुलाने की कोशिश करती है। लेकिन अब फर्क ये है, हन्ना का जो मुंह है वो उदास नहीं होता, वो नहीं रोती, वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर से चलती है, अपना कामकाज करती है। मैं यूं सोचती हूँ, ये मेरी कल्पना है, कि वो जो पनीना सोच रही होगी कि चलो इस बार दोबारा इसको रुलाते कोशिश करती है, और फिर वो उम्मीद के साथ देखती है अब रोएगी, अभी हैरान हो जाती है, ये रोती क्यों नहीं है, ये मुस्कुराती क्यों है। हो सकता है वो मन में ऐसे सोच रही होगी, क्या पता शायद इसके मेंटल हो गई होगी रो रो के। लेकिन सच्चाई ये है, हन्ना को बताया कि मैं क्यों नहीं रोऊंगी, मैं इसलिए नहीं दुखी होंगी, इसलिए मैं नहीं रोती, क्योंकि मुझे पता है अब से लेके मेरा केस कौन लड़ेगा, मेरा स्वर्गीय बाप, मेरा पिता परमेश्वर। हालेलुया। हन्ना के अंदर वो विश्वास है, क्योंकि मैंने मेरा सारा बोझ मेरे परमेश्वर के हाथ में दिया, क्योंकि मैंने मेरा केस ही परमेश्वर को ट्रांसफर कर दिया, अब मेरे लिए युद्ध जो है, मेरा युद्ध वो लड़ेगा, अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं उदास नहीं होऊंगी, क्योंकि मैं अपने आत्मिक आंखों से देख पाती हूँ मेरा स्वर्गीय पिता मेरे लिए जो रास्ता खोल रहा है, मेरे लिए जो रवैये बना रहा है, वो मैं देख पाती हूँ। आप लोग शायद अपने शारीरिक आंखों से अभी नहीं देख पाओगे, लेकिन एक दिन जो आत्मिक मंडल में आज हो रहा है, वो जल्दी से भौतिक मंडल में, भौतिक अपने शारीरिक आंखों से मैं भी देखूंगी, और जो आज मुझे चिढ़ा रहे हो आप भी देखोगे। हन्ना के अंदर वो हियाव, वो विश्वास था, इसलिए उसके अंदर एक सुकून था, वो उदास नहीं होती। उसके बाद से लेकर चाहे पेनिना ने जितना भी कोशिश किया, हन्ना के अंदर वो आनंद और वो शांति ऐसा रहा, और परमेश्वर में वो बनी रही। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे एक बात
कहना चाहूंगी, आपके जीवन में हो सकता है परेशानियों के वजह से, औरों के वजह से, हन्ना की तरह हो सकता है आपके जीवन में भी कोई है जो आपको रुलाता है, चिढ़ाता है, हर चीज में गलती ढूंढ निकालता है, लेकिन आपका सारा दुख यदि परमेश्वर के हाथों में आप ट्रांसफर करें, आप जरा परमेश्वर के पास आकर आपका केस को परमेश्वर के हाथ में दे दे, मनुष्यों पर आसरा रखना छोड़ दे, अपने सामर्थ्य में आसरा रखना छोड़ दे, परमेश्वर के हाथ में अपने विषय को जरा ट्रांसफर करके देखिए और देखिए आपका स्वर्गीय बाप आपके लिए क्या करता है। जरा आप ऐसे करोगे तो हन्ना के समान उसके बाद वचन में लिखा, उसके बाद उसका मुंह उदास नहीं हुआ, आप भी सुकून के साथ, शांति के साथ चल पाओगे। चाहे आपकी परिस्थिति में कोई शारीरिक रूप में बदलाव आप ना देखोगे, फिर भी क्योंकि आपको ये विश्वास है कि आपके स्वर्गीय पिता ने आपका केस लड़ना शुरू किया है, आपके अंदर वो शांति आएगी, आप उदास नहीं रहोगे और प्रभु में आप बने रहोगे, आपके जीवन में जो मिरेकल, जो जो अद्भुत काम जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आप जल्दी से देख पाओगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।